الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زور سے ایک بار درود شریف پڑھ سکتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبینا و شفیعنا حبیبنا سیدنا مولانا بزرگان محترم اور عزیز بھائیو اس وقت مجھے چند باتیں بہت مختصر وقت میں عرض کرنی ہے. انشاءاللہ آئندہ پیر سے باقاعدہ مجلس شروع ہو جائے گی. ایک ہے ہمارا بدن جسم, دوسرا ہے ہماری روح. بدن قائم ہے روح کی وجہ سے, بدن میں روح اور جان ہے تو بدن کام کر رہا ہے, آنکھیں دیکھ رہی ہے, کان سن رہے ہیں, دانت کام کر رہے ہیں, زبان بولنے کا کام کر رہے ہیں, ناک سننے کا کام کر رہے ہیں, ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں, بدن کا ہر عضو کام کر رہا ہے روح کی وجہ سے. اگر روح نکل جائے تو بدن اور جسم بیکار ہو جائے. جہاں تک بدن کا تعلق ہے اور جسم کا, تو ہم لوگ جسم کو اور بدن کو تو خوب پال رہے ہیں, اس کو اس کی خوراکی غذا اور خوراک پانی ہم بدن کو تو خوب پال رہے ہیں, مگر یہ بدن بیکار ہے بنا طاقت کے. اس لیے کہ روح میں جو طاقت ہونی چاہیے وہ طاقت نہ, روح کو پالنے کا جو حکم آیا ہے کہ روح مضبوط ہوگی اس وقت جب ایمان اور اعمال مضبوط ہو. چاول روٹی سبزیاں گوشت ترکاریاں اگر بدن کی غذا ہے
तो रूह की गिज़ा है ईमान और नेक आमाल। ईमान और आमाल ये रूह की गिज़ा है, आत्मा की गिज़ा है, उसकी खुराक। बदन मोटा होता जा रहा है इसलिए उसको खुराक मिल रही है। तो हम बदन को तो पाल रहे हैं मगर रूह भूखी है बेचारी, उसको जरूरत है रूहानी आमाल और वो मिलेंगे नमाजों से, रोजों से, ज़कात से, हज से, कुर्बानी से, सदक़े फितर से। माँ बाप की खिदमत से, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने से, हलाल रोजी से, तहज्जुद से, इशराक से, अवाबीन से, दुआएं मांगने से, मामलात की सफाई रखने से, रहन सहन इस्लामी तरीके के मुताबिक हो, ये रूह की गिज़ा है। गुनाहों से आदमी बचे ये रूह की गिज़ा है। अल्लाह वालों के पास बैठना ये रूह की खुराक। बदन में जान इसलिए नहीं है कि रूह कमजोर है, क्योंकि बदन की ताकत है असली वो रूह की गिज़ा है। बदन उस वक्त ताकतवर होगा रूहानियत से जब रूह में ताकत होगी रूहानियत। रूह भूखी है। अगर इंसान का भी यही हाल हो कि बदन मोटा हो रहा है रूह भूखी है तो एक मोटे जानवर के बराबर है जो सिर्फ खाना खा रहा है बदन को मोटा कर रहा है। जितना आप नेक आमाल में बढ़ते जाएंगे उतना ही रूह पावरफुल होगा और रूह पावरफुल होगी तो बदन को भी सुकून मिलेगा। गुनाहों से बचने से भी रूह में पावर आता है और रूह में पावर होगा तो बदन की भी सुकून आता है। जितने भी सारे आमाल हैं ये सब रूह की गिज़ा है। आजकल मुसलमानों में बदन खूब पाला जा रहा है मगर रूह को वो जो गिज़ा मिलनी चाहिए वो नहीं। एक मिसाल ले लो नमाज की। नमाज एक ऐसा अमल है जो इस्लाम का सबसे बड़ा सुकून है, जिस पर पूरा इस्लामी ढांचा खड़ा है। कुरान पाक में तकरीबन 80-82 मकाम पर नमाजों का जिक्र है। बंदे और अल्लाह के बीच में जोड़ रखने वाली चीज है, ताल्लुक पैदा करने वाली चीज, वो नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा दिल का सुकून और मेरी आंखों की ठंडक नमाज। नमाज इतना पावरफुल अमल है रूहानी कि फरमाया उसके लिए जो असबाब है वो भी करेंगे वो भी रूह को पावरफुल करेंगे। जैसे इस्तिंजा किया सुन्नत के मुताबिक, पाकी साफी हासिल कर उसके बाद वुजू किया और रूहानियत बढ़ती गई, फिर सलातुत तहिया पढ़ी या सलातुल मस्जिद पढ़ी, तहियतुल वुजू पढ़ा या तहियतुल मस्जिद पढ़ी दो रखा और ज्यादा रूह पावरफुल। ये जमात खड़ी हुई, आपने पायजामा पेंट ऊंचा रखा मर्द है ना, ये और रूह आगे पावरफुल होती है। एड़ियां बराबर की सफों में, सीना आगे नहीं निकला, सबके सीने बराबर है, कंधे लाइन में, बीच में जगह खाली नहीं छोड़ी, आपकी रूह पावरफुल होती जा रही। हालांकि ये आमाल सब नमाज के बाहर है मगर चूंकि नमाज के लिए पहली सीढ़ी है तो ये सब रूह को पाकिजा करने वाला है। फिर इमाम साहब ने नमाज शुरू की, आपने सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ी, तकबीर उला में, ये सब आपके रूह को पावरफुल करने वाली चीज। और जितना रूह को पावर मिलेगा उतना ही बदन को रूहानी ताकत और रूहानी सुकून मिलेगा।
आज हमारे जिस्म दुनिया भर के मुसलमानों को देखो, बदन तो बराबर पड़ रहे हैं, सब कुछ है, मगर अंदर से सुकून नहीं। इसकी बुनियाद है कि रूहानी पावर नहीं, और वो मिलता है आमाल से, अल्लाह के हुक्मों पर जिंदगी गुजारने से। फिर आपने नमाज पढ़ी, फराइज वाजिबात और सुन्नतों के अहतमाम के साथ आपने नमाज पढ़ी, और ज्यादा आपकी रूहानियत पावरफुल होती चली जाए। नमाज के बाद सलाम फेरा, दुआएं हुई, उसके बाद आप सुन्नत और नवाफिल में मशहूर हुए, और ज्यादा आपकी रूहानियत और पाकीजा होती गई, क्योंकि रूह की जो खुराक है वो ईमान है और आमाल। आम मुसलमानों की हालत देखो जो दीन से दूर है, जिस्म तो पल रहा, बदन पल रहा, मगर उस बदन में जान नहीं, इसलिए कि रूह में पावर है। रूह में पावर होगा ईमान से और आमाल से। एक नमाज जैसा अमल आपने वजू करने से लेकर पहली सब में बराबर खड़े हुए, एड़ियां बराबर की, सीना सीध में है, कंधे बराबर है, पायजामा पेंट ऊपर रखी है, पहली सब में नमाज पढ़ी, तकबीर उला के साथ पढ़ी, ये सब चीज आपकी रूह को पाकीदा करती जाती है। आप रमजान के रोजे रखते हैं या नवाफिल रोजे रखते हैं, आप ज़कात पूरी निकालते हैं, हज करते हैं, कुर्बानियां करते हैं, सदक़े फितर निकालते हैं, हुकूकुल इबाद बंदों के हुकूक अदा करते हैं, गुनाहों से बचते हैं, आप जितना ज्यादा अंदर उतरते जाओगे उतनी ज्यादा रूह आपकी पावरफुल होती जाए। अगर रूह आपकी पावरफुल है तो बदन को इंतहाई सुकून मिलेगा। बेशुमार लोग हैं जो बड़ी बड़ी गोलियां और टेबलेट खाकर सोते हैं, बदन तो पल रहे मगर रूह के पास पावर नहीं तो दिल को चैन नहीं। दिल को राहत मिलेगी आमाल से रूह को, तो रूह पावरफुल होगी तो बेशक और बेशक बदन को भी राहत और सुकून। कोई बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाएगी इंसान समझेगा कि तो आता रहता, अंदर से उसको सुकून मिलता है। आम मुसलमानों की हालत देखो, परेशानियों में जिंदगियां गुजार रहे हैं, क्योंकि रूह पावरफुल है। रूह पावरफुल होगी आमाल पर अमल करने से और गुनाहों से बचने से, वरना ऐसा ही समझो दरख्त तो है अगर उसको पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिला तो बदन जो सूख जाए, बेकार हो जाए। इसलिए जरूरत है इस बात की कि रूह को मजबूत किया जाए। ये बराबर मजबूत होगी ईमान और आमाल से, उतना ही ज्यादा आपके बदन को सुकून मिलता जाए। बदन चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों हो, अगर उसको सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि रूह में खूबसूरती ना हो। आप कोई भी अमल उठा के देखो, रमजान के रोजों को देख लो, आप अल्लाह के खातिर भूखे और प्यासे रहते हैं, और आप उस रोजे की हालत में ज़कात निकालते हैं, तरावीह पढ़ते हैं, एहतिकाफ करते हैं, लोग शबे कद्र की तलाश करते हैं, अल्लाह के राह में खैर खैरात करते हैं, जितने ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे रूह जो है ताकतवर और मजबूत होती जाएगी। अगर रूह आम मुसलमानों की हालत में वो आप रूह में पावर नहीं है, इसलिए बदन चाहे कितना ही खूबसूरत, रोज इंसान जो है खूब खाता हो दुनिया भर की नहीं। अगर सोने चांदी के पुश्ते भी जाते, अभी किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा था कि 50,000 रुपए किलो मिठाई और उससे आगे जाओ 1,00,000 रुपए मिठाई किलो, वो सोने के पुश्ते डालते अंदर, सोना बापा है। अगर आप कुछ भी पालते रहो बदन अंदर से रूह में सोना और चांदी नहीं भरा है ईमान और आमाल, तो आपका बदन कितना ही खूबसूरत और सोने और चांदी की पुश्ते खाता है, मगर बदन को राहत नहीं मिलेगी जब तक कि अंदर रूह में सुकून नहीं, और रूह को सुकून मिलेगा ईमान और आमाल से। आप कभी कोई नफल अमल भी छोड़ेंगे ना तो आपके दिल पर फौरन असर। इसकी एक मिसाल दूं मैं आपको, जो लोग 5 वक्त की नमाज तो नहीं पढ़ते, रात दिन गुनाहों में रहते हैं, मगर जुमे की नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं,
या ईद बाद ऐसे भी जो सिर्फ ईद की नमाज में आते हैं, उतना उनमें रूहानी पावर आता है। मगर कभी ऐसा हो कि वो लेट आए जुमे में, जमात हो गई, नमाज हो गई, या ईद के दिन आए लेट, टाइम का पता न रहा, नमाज गई हाथ से, ईद की नमाज पूरे साल में एक या दो बार ईद की नमाज में आता। देखो रूह का पावर बतला रहा हूं, क्योंकि वो हर साल ईद की नमाज पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि उससे कितना सुकून मिलता है, चाहे साल में दो बार आता है। इसलिए जब कभी उसकी नमाज छूटती ईद की, तो मुतवल्ली पर चिल्लाता है, ईदगाह की ट्रस्टों पर चिल्लाता है कि तुमको शर्म नहीं आती, तुमने नमाज जब नहीं खड़ी कर दी, हमारी नमाज चली गई। आपको नजर आएगी किस ये जो चिल्ला रहा है या गुस्से हो रहा है, इसलिए कि उसकी रूह की जो गिजा मिल रही थी साल में एक बार, जोर से बोलो भाई साहब, वो मिल रही छूट गई। मालूम हुआ कि रूह चाहती है कि उसको रूहानी खुराक मिले, वो जुमे की नमाज से उसको मिलती थी, ईद की नमाज से उसको मिलती थी, वो छूट गई, इसलिए वो चिल्ला रहा है। ऐसे ही आप ज़कात निकालो, खैरात करो, सदका निकालो, कोई भी नहीं कमला। अब हज को जाओ, मीना में जाओ, मुज़दलिफा में जाओ, अरफात में जाओ, आप अहराम की हालत में रहो, आप उमरा करो, आप गुनाहों से बचो, आपका रहन सहन इस्लामी। आप पायजामा पैंट पहन रहे हैं, आपने सीधा पांव डाला, तो आपकी रूह की गिज़ा, आपको सुकून मिलेगा खास जिंस का रूह में, और रूह को सुकून मिलेगा नेक अमल से। जरा जोर से बोलो बेशक, तो बदन को भी राहत मिला, बोलो ना भाई मिलेगी। और उतारते वक्त पहले सुन्नत तरीका यह है, पायजामा पैंट या लुंगी निकालो तो पहले उल्टा पांव निकालो, निकालते वक्त उल्टा पांव और फिर सीधा पांव। जितना आप रूहानियत को मजबूत करोगे, उतना आपको कुदरती सुकून आए। आप मस्जिद ना हो, सीधे कदम रखो, निकलते वक्त उल्टा पांव, दुआ पढ़ के दाखिल हो, दुआ पर अल्लाहुम्मा इफ्तहली अबवाब रहमतिक, और रूह को खुराक मिल। अब बाहर निकलने से पहले अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी मेहरबानी चाहता हूँ कि बार बार तुझे मस्जिद में बुला। ये आपकी रूह की खुराक, और रूह की खुराक कुदरती आपके बदन को राहत मिले। फिर आपको गलत किस्म के मर्द और गलत किस्म की औरतों के पास मसाज की भी जरूरत है, भाई सुकून नहीं, जाओ दरिया के किनारों पर पड़े रहो, होटलों में पड़े रहो, कुदरती सुकून मिलेगा। आप शर्ट पहनो, कुर्ता पहनो, यही चीज। आप खाना खाओ, पहले दोनों तखनों तक हाथ पहुंचे, सुन्नत तरीके का। उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों में है, वो फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाने के लिए तशरीफ लाते, आप दोनों पहुंचे तक हाथ धोते। ये रूह की गिज़ा। आपने बिस्मिल्लाह इमाला बरकतिल्लाह के साथ खाना शुरू किया, ये रूह की गिज़ा है। रूह को सुकून मिला, बदन को 100% सुकून मिलने वाला है। मगर आप भूल गए हाथ धोना, जरा सा हाथ उंगलियां धोली बैठ गए, इसको भी सुकून मिल, चाहे खाना दस्तरखान पर सोने चांदी क्यों ना डाले। इसी तरह खाने के वक्त आप दुआ भूल गए, तो आप बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु वसीलहु, खाना खा रहे आप जिक्र कर रहे हैं और रूह को गिज़ा मिल। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अत्अमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन, इसी और क्या दावत खा रहे, अल्लाहुम्मा अत्इमन अत्अमना वसक़ीमन सक़ाना। आप दुआ पढ़ते जा रहे और ज्यादा सुकून होता जाए। खाने के बाद आप उंगलियां चाट रहे हैं सुन्नत के मुताबिक, फिर आप हाथ धो रहे हैं, ये रूह की सब गिज़ा है। सीधे करवट सोना, दाहिनी करवट, ये रूह की गिज़ा। अब सलाम ने फरमाया जहन्नमियों का सोना मत सो, ऊंधा सोना ये जहन्नमियों का सोना, मना फरमाया। पानी पीने का तरीका, या कुर्सी पर बैठकर पियो, नीचे बैठ कर, 3, 5, 7 अलग अलग घोट में पियो, एक ही अलग, ये आपकी रूह को पावर कर रहा, और इसको सुकून मिलेगा तो ऑटोमेटिक बदन को सुकून मिलेगा। मेरे अर्ज करने का मंशा यह है, बहुत
बहुत लोग ऐसे भी हैं दीनदार किस्म के नमाज रोजे करने वाले, उनको भी थोड़ा सुकून मिलता, पूरा सुकून नहीं मिलता, इसलिए कि सुन्नतों का एहतमाम है। अभी एक साहब मेरे साथ सफर में आए थे, मैंने उनको देखा कि पानी पीने का वक्त आया, तो ट्रेन में खड़े खड़े पानी पीने, तो मैंने उनको प्यार मोहब्बत से समझाया आपकी सीट बुक कर रहे अब बैठ कर पानी पीने, ये सुन्नत तरीका। इसका मतलब ये कि घर पर इसकी आदत होना, दो तीन सफर में बार बार टोकता रहा टोकता रहा, अब जाकर उनको आदत बन गई। ये इस्लाम के खिलाफ है कि आप खड़े कर पी लें, उल्टे हाथ से पानी पी लें, चाय दे रहे उल्टे हाथ से। कल मैं दीवा गया था काम से, वो भी बहुत दीनदार आदमी थे, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे, मैंने कहा कि आप चाय पियोगे, तो चल जाइए मैं घर वालों का चाय बना, चाय आई नमाज ही आना पिया, तो कब उन्होंने दाहिने हाथ में रखा और बाएं हाथ से पी लिया। मैंने कहा सुन्नत के खिलाफ कर रहे हो, कब मुझे दे दो या साइड पर रखो सीधा हाथ से। वो उन्होंने पिया वो उनको रूह को गिजा मिली, और मैंने उनको अमर बिन मारूफ किया, बोलो जोर से बेशक मेरी रूह को भी गिजा मिली। आज आम हालत ये हमारी बदन पाल रहे हैं आम मुसलमानों के, मगर रूह की गुजा है वो ईमान रहा, गुनाहों से बचना। ध्यान दो इस पर, पुराने पाक में ये पूरी दुनिया बदन है और उसकी रूह है पुराने पाक और हदीस। जैसे हमारे बदन की रूह है, इसकी खुराक कुरान हदीस है, और वो खुराक मिलेगी इसको तो इसको सुकून मिलेगा। जैसे कि आसमान और जमीन बदन हमारे लिए अल्लाह ने बनाया, अब ये इसमें पावर नहीं रहा इंसानों में, तो अल्लाह ताला शानों ने दुनिया को उठाने का फैसला कर दिया। धम धमा धम धमा धम, बड़ी निशानियां छोटी निशानियां सब टोटल चालू, क्योंकि अब पावर नहीं रहा। अब सलासन ने फरमाया आखिरी जमाने के मुसलमानों के बारे में, जो उनकी रूह में पावर नहीं होगा, फरमाया दुनिया की सारी कौमों के सामने इनकी कीमत ऐसी होगी जैसे समंदर पर कचरा पानी बहा कर ले जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं। तो साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल इसका कारण क्या होगा, वजह क्या? फरमाया इनमें दो बीमारियां, वही रूह की गिजा नहीं। फरमाया कि मौत जो अल्लाह से मुलाकात का जरिया है उस मौत से नफरत कर, सही हदीस है। भाई पूरा मजमा जोर से बोलो ना, किससे नफरत करेंगे? मौत से, या मौत अल्लाह से मुलाकात का जरिया, मौत का नाम लेना भी नहीं चाहते। और दूसरा कयामत जो जन्नत में जाने का जरिया है, इसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। देख लो, और हदीस में फरमाया गया मौत से नफरत करेंगे और माल से मोहब्बत करेंगे, उल्टा हो गया। दीन के काम करने वालों के मजाक समझ, रूह रूह बन ही नहीं रहा। रूह की जो खुराक है वो ईमान है और आमाल, और जितने अमल करते जाएंगे उतना ईमान और ज्यादा मजबूत होता है। ये उलिया के नाम की तारीख उठा के देखो, सूफिया के नाम क्या उनके अमल है, साहब के नाम जाओ ऊपर जाओ, जनाब रसूलुल्लाह साहब उलिया के नाम अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बातिल उनके सामने कभी ठहरा नहीं। फिरौन जैसे बादशाह पड़े, नमरूद, नबियों के सामने कभी कामयाब नहीं हुए, लश्कर थे, माल थे, हुकूमत थी, मगर रूह उनकी इतनी पावरफुल थी कि अल्लाह ताला ने आसमानों से उनके लिए जो है मदद भेज दी। भाई जरा जोर से बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोलो इंशाल्लाह रूह को पावरफुल करने की कोशिश करेंगे। रूह की जो खुराक है वो याद रखिए, अगर ये नहीं हमारी जिंदगी हो, जिक्रुल्लाह नहीं, दुरूद शरीफ नहीं, इस्तग़फार नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, फराइज वाजिबात सुनना, जितनी भी चीज़ है ये होगी ना, तो फिर रूह की गिज़ा, हराम माल से बचना, मामलात की सफाई, रहन सहन, माशरत, निकाह हो, तलाक हो, कोई भी मसला, फौरन आदमी मुफ्तियों के पास जाएगी, वह शरीयत का कानून क्या है। अल्लाह ताला शान हम तमाम को बदन से ज्यादा, आमीन कहो जोर से, को ताकीजा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर आइंदा फिर से इंशाल्लाह।
हमारी जो है बाकायदा मजलिस वापस शुरू हो जाएगी। ये जितने आदमी है ना, बीच में चूँकि सफ़र पेश आ गया दो हफ्ते का, जब वापस मजमा टूटने लगा, आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात आइंदा खुद तो आएंगे, हर आदमी इंशाल्लाह 10 आदमी को दावत बोलो इंशाल्लाह, ज़रूर है इंशाल्लाह, पक्का वादा कि कच्चा पक्का वादा। अल्लाह आप सबके बैठने को कबूल कर, आप बाहर चले। ये मौलाना किशनगंज बिहार से आए हैं मदरसा जामिया मोहम्मदिया के, आप हजरात से गुजारिश है कि उनको ज़कात सदक़ात और खैरात से मदद करते जाए। जामिया मोहम्मदिया हनीफ पूरा ज़िला किशनगंज बिहार गुरु शरीफ पढ़ रहे हैं। बैठने को कबूल फरमा, बदन से ज्यादा रूह को पावरफुल और ताकतवर करने की तौफीक अता फरमा, ईमान और अमाल पर बाकी फरमा। अल्लाह हमें लंबी जिंदगी अता फरमा, नेक अमाल के साथ तंदुरुस्ती के साथ गुनाहों से बचाते हो, तेरे दीन इस्लाम का काम कराते हो, और मौला जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा, हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा, रहमत की आराधना।